और 13 नवंबर से झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो जाएगी। इस बार के चुनाव प्रचार में घुसपैठ और अवैध रोहिंग्याओं का मुद्दा सबसे ऊपर है। बीजेपी ने अब झारखंड के लिए अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर सोरेन सरकार पर करारा वार किया, जिसमें अमित शाह ने झारखंड में घुसपैठियों को पनाह देने का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, अमित शाह ने कहा कि जब बीजेपी सत्ता में आएगी तो एक एक घुसपैठिए को बाहर निकाला जाएगा। हेमंत सोरेन की सरकार के समय में झारखंड का आदिवासी सुरक्षित नहीं रहा। झारखंड में चुनाव के बीच झारखंड में घुसपैठ का मुद्दा फिर गर्म हो गया है। बीजेपी का घोषणा पत्र जारी करते हुए अमित शाह ने घुसपैठ पर न सिर्फ हेमंत सोरेन पर हमला बोला, बल्कि झारखंड में घुसपैठियों को चेतावनी दी। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी करने वाली है। और जो घुसपैठिया जमीन हड़प कर बैठे हैं, उनको भी मैं कहना चाहता हूं, चैन की नींद सोना बंद कर दो। भाजपा सरकार आएगी, ये भेंट से दान से जमीन हड़पाने का कानून हम लाएंगे। यही नहीं, अमित शाह ने हेमंत सोरेन पर भी हमला बोला और यूसीसी को लेकर बड़ा बयान दिया कि हेमंत सोरेन की सरकार के समय में झारखंड का आदिवासी सुरक्षित नहीं रहा है। संथाल परगना में आदिवासियों की संख्या लगातार कम हो रही, घुसपैठिए यहां आकर हमारी बेटियों के लुभाकर उनके साथ शादी कर रहे हैं और भूमि पर कब्जा कर रहे हैं।